हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसे आप लेसन भी नहीं कह सकते हो, ना ही पोयम। वो है स्टैंडर्ड 9th का हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है ए सखी। ए सखी पूरक पठन यानी कि रैपिड रीडिंग के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है और इसे लिखा गया अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी उन दिनों बहुत ही फेमस हुआ करते थे। अगर आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 ओपन करोगे तो उनका जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। जन्म उनका हुआ है 1253, मतलब इतने पुराने ज़माने के, और उनका डेथ हुआ है 1325, यानी कि उन दिनों वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। वो पहेलियाँ लिखने में काफ़ी जाना जाते थे। तो देखते हैं उनके कुछ पहेलियाँ हैं। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि रैपिड रीडिंग जितने भी मतलब इंग्लिश हिंदी मराठी में होंगे, मैं उनके लेसन्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि आंसर्स जो है ना डाइजेस्ट में स्टार मार्क वाले, जो हर लेसन वो हर रैपिड रीडिंग के बाद होता है क्वेश्चन आंसर्स बड़े बड़े, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को ईजी वे में आप समझ सको और पढ़ सको। सो ये वाला तो चलो एक पहेलियाँ वाली चीज़ थी, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चीज़ को शुरू करने से पहले मैं पहेली का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। पहेली को सिंपल तरीके से अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में रिडल्स, RIDDLES। रिडल्स का मतलब होता है कुछ किसी प्रकार का वस्तु होगा, उसको हम इनडायरेक्ट वे में क्लू देते हुए सामने वाले को कहे, वो गेस करके इस चीज़ का आंसर दे। ओके, तो यही है बेसिकली पहेली रिडल्स। ओके, तो मैं रीड आउट करता हूँ स्टूडेंट्स। रात समय वह मेरे आवे, बोर बए वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सखी तारा। तो इस चीज़ में क्या बताने की कोशिश की है कि ऐसी चीज़, तारा मतलब वो स्टार होता है बराबर, तो स्टार को किस तरह से क्लू दिया गया है अमीर खुसरो जी ने कि एक चीज़ जो रात के टाइम पे बहुत जल्दी आती है और सुबह के टाइम जल्दी चली जाती है, बड़ा अजीब लगता है। अचरज का मतलब है अजीब लगना और न्यारा का मतलब है काफ़ी नया लगने लगता है, तो वो क्या है बताओ, वो है तारा। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट, वह आवे तब शादी हो, उस दिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। ढोल से ही, ढोल के वजह से ही जो शादियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता क्या है, ढोल, मतलब ढोल बजाने से लोग नाचना वगैरह शुरू करते, जश्न मनाते हैं। ओके, और सेकंड लाइन में अगर आप देखो, मीठा लागे वाके बोल, मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, कोई भी किसी का मजाक उड़ाता है, उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, बल्कि उस चीज़ को एंजॉय करके एकदम उन बातों को मीठा समझ के एंजॉय कर लेते हैं। ओके, तो यही समझाने की कोशिश की है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। लोटा मतलब छोटा सा जो मग होता है, मग हम कैसे लोटा कहते हैं पानी पीने का। तो जब मांगू तब जल भरी लावे, मतलब उस चीज़ में जल मतलब पानी भर के ला सकते हैं, मेरे मन की तपन बुझावे, मतलब जितना भी मेरे मतलब मैं जितना भी थक जाता हूँ, मुझे पसीना आता है, मुझे प्यास लगता है, तो वो मेरा प्यास और थकान बुझा देता है, मिटा देता है। मन का भारी, मन का भारी मतलब वो बहुत ही मन का भारी होता है, मगर तन का छोटा मतलब उसमें भारी दिल होता है, मतलब वो पानी का क्वांटिटी ज़्यादा होल्ड कर सकता है, लेकिन उसको जो मग होता है बहुत छोटा होता है। वही कहने की कोशिश कर रहे हैं सखी साजन, मतलब उसको क्या गेस करना है आपको, वो है लोटा, सिंपल। नेक्स्ट, बेर बेर सोवत तही जगावे, ना जागो तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हकी बक्की, हे सखी साजन ना सखी मक्खी। मतलब बेर बेर सोवत ही जगावे, मतलब इंसान जब सोया रहता है वो चीज़ आकर के सताती रहती है बार बार। ओके, सोया हुआ इंसान जग जाता है उस चीज़ से, बार बार इरिटेट होके जग जाता है। ना जागू तो काटे खावे, अगर मैं नहीं जागू तो आके इरिटेट तो करता है और साथ में काटना भी शुरू करता है। तो इसमें लिखा है व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मतलब उस चीज़ से हक्की बक्की मतलब दंग रह जाते हैं, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं है, जो भी एक पीस था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या है मक्खी। ओके, मक्खी कान में आके सब इरिटेट करते हैं, आप लोगों को पता ही है। अति सुंदर है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तोता का मतलब आप समझ रहे हो ना, पैरेट। तो पैरेट को किस तरह से क्लू दिया गया है अमीर जी ने, अति सुरंग है रंग रंगीलो, मतलब इतना ब्यूटीफुल कलर वाला वो वस्तु है गुणवंत बहुत चटकीलो। चटकीलो का मतलब उसका जो क्वालिटी है, गुण मतलब क्वालिटी है मिस्चीवियस, मतलब वो कलरफुल है, कलरफुल होते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगता है वस्तु, और वो
उसका जो क्वालिटी है, उसका जो रूप है, वो बहुत ही मस्तीखोर है, मतलब बहुत ही मिस्चीवियस है। उसके बाद राम भजन के बगैर वो नहीं सोता, कौन है वो? तोता। सिंपल है। नेक्स्ट, अर्धन ईशा वह आयो बौन, सुंदरता बरन नहीं कवि कौन, निरखट ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। अर्धनिशा वह आयो बोन, इसका मतलब, अर्धनिशा का मतलब है आधी रात को वह भवन, बोन का मतलब है भवन मतलब इलाका, तो आधी रात को वो भवन मतलब इलाके में नज़र आता है वो पर्टिकुलर चीज़। सुंदरता मतलब उसकी सुंदरता देखकर जितने पोएट और पोएटस है वो लोग तारीफ करते रहते हैं। ओके, सुंदरता बरई नहीं कवि कौन, मतलब सुंदरता, वही मैं कह रहा हूँ, सुंदरता उस चीज़ का देख करके पोएट और पोएटस अपने राइटिंग्स में उसकी तारीफ करते रहते हैं। ओके, निरखट ही मन बायो आनंद, मतलब उसे देखकर बहुत ही आनंद सा महसूस होता है, और वो क्या है? वो चीज़ है चांद, चंद का मतलब है चांद। ओके, शोभा सदा बदावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। अंजन का मतलब है काजल जो आंखों पे लगाते हो, उसके बारे में बताया। शोभा सदा बड़ावन हरा, आकिन से छीन होत न्यारा, मतलब वो एक ऐसा चीज़ है जो आंखों को और भी खूबसूरत बना देता है, और वो सामने वाले को भी आकर्षित कर देता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, मतलब एक तरह का मनोरंजन हो जाता है उसी चीज़ से, क्यों सकी साजन ना सके अंजन। एज आई सेड, अंजन का मतलब है काजल जो आंखों पे लगाते। जीवन सब जग जसो कहे, ना बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। नीर का मतलब है पानी। ओके, तो जीवन सब जग जसो कहे, मतलब सबकी जीवन उसी पर निर्भर है, ना बिनु रोक न धीरज है, मतलब उसकी अगर प्यास लगा तो किसी को पेशेंस नहीं है उसको, मतलब वो इंसान को वो चीज़ चाहिए ही है। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम थकने पर उस चीज़ का हमें ज़रूरत है, हमें धीरज नहीं है, मतलब पेशेंस नहीं है। हरे छिनक में हिया की पीर, मतलब सबके हृदय को सुकून लाने वाला, सबके हृदय की तकलीफ़ को दूर करने वाली चीज़ क्या है? वो कुछ नहीं बल्कि नीर, नीर मतलब वाटर। नेक्स्ट, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा बही लागावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। पाती का मतलब है पत्ते। तो क्या बताए? बिना आए सब ही सूख बुले, मतलब जब वो ग्रो नहीं होता तो वो पेड़ के साथ अधूरा अधूरा सा लगता है, सूखे पत्ते तो गिर जाते। आए तो अंग अंग सब फूले, मतलब आते तो सब पूरा वो झाड़ पूरा कंप्लीट हो जाता है पत्तों से। सीरा बही लागवत छाती, मतलब एकदम सा चौड़ा हो जाता है छाती के साथ, हमारा हमें प्राउड फील होता है, वैसे ही वो पेड़ को प्राउड फील होता है। तो वही है, किस चीज़ के वजह से होता है? वो पत्तों के वजह से। इतना ही है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी हूँ गाइज, @densitfrank28, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जा करके फॉलो करो। ओके, और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।